इस वक्त जो अहम मसला है, हमारी वेस्ट के साथ खाकों पे जंग चल रही है और रवाफिज की तरफ से पाकिस्तान में फेसबुक पर, यूट्यूब पर दो खाके इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, दो तस्वीरें कि एक शख्स ने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जश्न गदीर या ईद गदीर। इन कमीनों ने तोहीन रिसालत भी की, तोहीन अली भी की। कौन हो सकता है कि जिसके कलम में यह ताकत हो कि रुख रसूल बना सके? मौला अली का चेहरा कोई नहीं बना सकता, मेरे नबी का कौन बना सकता? हुसैन हैकल ने जब किताब लिखी सीरत पर और उसमें मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सीरत के उस हिस्से के अंदर उसने एक तस्वीर बनाई कि एक शख्स सवारी पे, उसे सवार किया जा रहा है यह जाहिर करने के लिए कि सरकार बुर्राक पे बैठ रहे हैं, तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई कि तुमने ये तोहीन रिसालत की है कि इन लकीरों को, इस तस्वीर को तुम अल्लाह का नबी करार दे रहे हो। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान के इदारों से फौरी तौर पर 295 सी के तहत इन राष्ट्रीय गुमाश्तों को गिरफ्तार करके सूली पे चढ़ाया जाए। जो खाकी बना रहे हैं और हर तरफ वो चल रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं किस मरज का इलाज है ये इदारे, ये चुगल खोर टोला क्या सिर्फ उलमाए हक की चुगलियों के लिए है? कब्र में जवाब देना होगा तुम्हें। ये जितने पेज, जितनी आईडी से ये खाके इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं या फली जिसने लगाए हैं, सारे तोहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं और इन सब को पकड़कर फांसी पे लटकाकर साथ मुतालबा करो कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए और फ्रांसी सदर वजीर आजम मलून को फांसी दी जाए। वरना ये तो हमारा ये फराइज में से बड़ा फर्ज नामूसे रिसालत का जो है, ये तो गैरों को उस तोहीन की दलीलें दे रहे हैं। वो कहेंगे हमने बनाए हैं तो तुमने भी बनाए हुए हैं। ये देखो तुमने एक शख्स को अली बनाया है, दूसरे को नबी बनाया है, और जो नबी है उसने अली का हाथ पकड़ा हुआ है और ये गदीर खुम में ऐलान हो रहा है। लिहाजा अरबाब हुकूमत जहां उन्हें जलन होती है जब उन्हें कोई गाली देता है, तो तुम पित्ती क्या पित्ती का शोरबा, क्या हैसियत है तुम्हारी कुर्सियों की? उस जात के अदब के लिए निकलो जिनकी कुर्सी भी अल्लाह के अर्श पर है।